जो हम उसे रोटी दे रहे हैं या हम चावल या दलिया दे रहे हैं छोटे बच्चे को, उसमें उतनी पौष्टिकता है जो उस बच्चे की रिक्वायरमेंट है उसके बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, उसके जॉइंट्स की डेवलपमेंट के लिए, उसकी स्किन केयर के लिए, उसके नर्वाइन सिस्टम के लिए, लिवर के लिए, तो वो सब चीज़ें उसमें बैलेंस्ड है? ऑफ कोर्स नहीं होती बैलेंस। जब बच्चा 5-6 मंथ का होता है तब आप उसको ये सब चीज़ें घर का बना हुआ खाना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अब हम बोलें कि भैया हम तो डॉग फूड खिला रहे थे पहले छोटे बच्चे को, और जो बड़े डॉग के लिए जो फूड है, जैसे 5 मंथ प्लस पे अगर हम खाना देते हैं, हम एकदम से उसको सिर्फ घर के खाने पे लेंगे तो भी उसका सिस्टम सारा अपसेट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पेट में एकदम से बड़ी ज़्यादा वॉल्यूम में खाना जाना शुरू हो गया जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 टाइम डॉग फूड, 1 टाइम खाना घर का बना हुआ। अब कितना देना है वो अलग बात है, वो आपके डॉग की ग्रोथ, उसकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, वो ब्रीड क्या है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, ग्रोथ कैसी आ रही है, जॉइंट्स वगैरह कैसे हैं, हेड स्केल कैसा है, वो सब चीज़ें मैटर करेंगी।